नमस्कार बच्चों, बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। बच्चों हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पापा खो गए। ये पाठ का शीर्षक है पापा खो गए। ये श्री विजय तेंदुलकर के द्वारा रचित एक नाटक है। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, हमने कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमने बच्चों यहां तक पढ़ लिया था, यानी जो लेटर बॉक्स है वो किसी दोहे का एक क्षण गुनगुनाता हुआ रुक जाता है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। चलो आगे पढ़ते हैं। कौवा, जो कौवा है वो कहता है कि पेड़ के पीछे से झांक कर काव काव करता है। वो कहता है कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा जरा भर चैन नहीं इन्हें। आगे देखो, लेटर बॉक्स कहता मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे। कर्कश होती है जो मन को अच्छी ना लगे आवाज, उसे कर्कश आवाज कहते हैं। कहता है कि जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक है क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर घंटे रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये पैसे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है, यह किसका है? खंबा कहता है क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स कहता आश्चर्य से चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो? पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहां दिन रात बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है वह देखता रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूं चार चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहां किसी की चिट्ठी पढ़ सक लेटर बॉक्स कहता है मैं कहां किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं जब बाहर निकलने देता हूं तब मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना कुछ बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है कोई आ रहा है लगता। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर
पर बनि नाशने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। यानी जो आदमी है वो एक बच्ची का अपहरण करके वहां लाता है और उसको वहीं छोड़ करके अपने लिए कुछ खाने की सामग्री लेने के लिए चला जाता है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, यानी जो पेड़ है उसके पास में, उसकी ओट में उस लड़की को बैठा देता है, वहां पर रख देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से बोला, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है, यानी कुछ गड़बड़ी नजर आती है। खंबा पेड़ से कहता है, क्या कहता है कि पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है खंबे से, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है, कौवे को जगाते हुए, पेड़ कौवे को जगाता है कि कौवे जाग ने जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया। पेड़ कहता है, नहीं दिन नहीं हुआ, पर इस दुष्ट आदमी एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया। खंबा कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स कहता है, मुड़कर देखते हुए नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती, जैसे जैसे चील होती है वैसे वह जैसे चूहे को उठा लेती है, वैसे ही इस आदमी ने इस लड़की को कहीं से उठा लिया है। खंबा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो, यानी वो लड़की के लिए पूछ रहा कि क्या वो लड़की अभी भी सो रही है। लेटर बॉक्स कहता, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा कहता, आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो मुझे बताओ कि कौन किसको उठा लाया। पेड़ कहता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा कहता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे, यानी वो कहता कि वो अपने खाने के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए गया है। लेटर बॉक्स कहता, थोड़ी देर में आ जाएगा, और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ऐसा होते देखा है। पेड़ कहता है, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि हम इस काम को नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे। खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा कहता, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए।
आगे देखो, लेटर बॉक्स कहता, मैंने देखा है नास पीटी को अच्छी तरह करीब से देखा, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नजर थी उसकी घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। कौवा कहता, ताऊ आपको खो खो करके हंसता है, छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की बात क्या बात है इसमें। खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है, यानी इससे घृणित कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। लड़की उठकर बैठ जाती है, जो लड़की बेहोश अवस्था में थी अब उसको होश आ जाता है, वह उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। लेटर बॉक्स कहता, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़ कहता है, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती है। लड़की कहती है, क्या ये सब बोल रहे हैं लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा और यह पेड़ और कौवा। उसको ऐसा लगता है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। कौवा सब को इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं, स्तब्ध यानी हैरान हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव होता जिसमें जीवन नहीं होता। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध हो जाते हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या हो रहा है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत ही छोटी बच्ची है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो न, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। लड़की कह रही कि कोई तो जवाब दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। सभी चुप, स्तब्ध यानी सभी चुप हो जाते हैं। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की कहती, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबराई है यह है लड़की, आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। यानी लेटर बॉक्स उस बच्ची को कहता है कि हे बच्ची आप घबराओ नहीं। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन है, पूछती है कौन है। लेटर बॉक्स कहता, मैं हूं लेटर बॉक्स। लड़की कहती है, तुम बोलते हो, यानी उसको हैरानी होती है लेटर बॉक्स कैसे बोल सकता है। लेटर बॉक्स कहता, हाँ मेरे भी मुंह है, नहीं है क्या, यानी मैं भी बोल सकता हूँ। लड़की कहती, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स कहता, हाँ आदमियों की देख देख कर, आदमियों को देख देख कर मैंने चलना सीख लिया। लड़की कहती, सच। लेटर बॉक्स कहता है, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की कहती, एकदम खिलखिलाकर हंसती है लड़की, वो जो है वो एकदम से उसको चलता हुआ देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। उस लेटर बॉक्स खुश होकर वैसे ही थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती, सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है, लड़की तुम बड़े मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ,
नासपीटों के पास कैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। यानी उसका जो लेटर बॉक्स उसका रंग कैसा है, लाल रंग का है वो। लड़की कहती है लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। लेटर बॉक्स कहता, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। यानी कभी भी कोई चीज नहीं देखी हो और एकदम से वो चीज दिखाई दे तो ऐसा ही लगता है। लड़की कहती, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लेटर बॉक्स उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की कहती है, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स पूछता है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की कहती है, सड़क पर। आसान तो है मिलने, यानी हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। जो वह सड़क है उस सड़क पर आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, यह तो अच्छा ही है, हम घरों में हो पर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। लड़की कहती है, नाम हमारे घरवाली सड़क। उसको नाम बताती है, हमारे घरवाली सड़क। लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। लाल ताऊ क्यों दिया, क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर कहता है, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे ही कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।